हम लोग आज कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो आपका सेकंड है, ठीक है। पहला वीडियो में हम लोग बता चुके हैं कि लीप ईयर कैसे चेक करते हैं या नॉर्मल ईयर कैसे फाइंड आउट करते हैं। बता चुके हैं कि लीप ईयर निकालने के लिए हम लोग किससे भाग देते हैं, चार से। अगर वही सेंचुरी आ जाता है जब 1600 ईस्वी आएगा, चाहे 1500 ईस्वी रहेगा, चाहे 100 रहेगा, चाहे 200 साल रहेगा, तो हम किससे भाग देंगे, 400 साल से। यानी लीप ईयर हमेशा जनरली कितना पे आता है, चार साल पे आता है। मतलब चार साल पे आपका क्या आएगा, लीप ईयर आएगा। नहीं, जैसे मान लीजिए कि 2022 को लीप ईयर नहीं है, 23 भी नहीं है, अगला लीप ईयर मेरा कौन सा है, 24 है, तो 24 के बाद अगला मेरा क्या आएगा, 4 साल बाद ना आएगा, तो 24 के बाद क्या आएगा मेरा, 28 आएगा। नहीं, 4 जोड़ देंगे ना, 4 साल बाद आएगा। लेकिन 8 साल बाद भी लीप ईयर आता है। ये आपको बताए हैं कि सेंचुरी जब पूरेगा ना, जैसे मान लीजिए कि 100 साल आया, तो 400 से भाग जाएगा। अगर 100 साल है, 100वां साल है, तो 400 से कहां भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। यानी लीप ईयर गायब हो गया ना, यानी अगला लीप ईयर कब आएगा, तो आपका 4 साल बाद आएगा। यानी 100वां साल में लीप ईयर कितना साल पे आ रहा है, 8 साल पे आ रहा है। यानी 8 साल में भी लीप ईयर होता है, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, शताब्दी होना चाहिए। शताब्दी मतलब होता है 100 साल। शताब्दी मतलब क्या हो गया आपका, 100 साल। यानी लीप ईयर 8 साल पे भी आता है। ये कब होता है, जब मेरा शताब्दी आएगा, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि जैसे आपका डेट दिया रहेगा, जैसे आज कितना तारीख है, 2 नवंबर है। कितना नवंबर है आपका, पहला केस जो हम इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आज कितना तारीख है आपका, 2 नवंबर है ना, 2 नवंबर 2022। कौन सा दिन है आज, आज आपका कौन सा दिन है, वेडनेसडे है। वेडनेसडे है, और आपसे कहेगा कि सर 2 नवंबर 2000 मान लीजिए कि 32 से ले लेते हैं 33 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था आप बताइए, ठीक है। पहला केस में मुहिम पढ़ेंगे कि देखिए डेट, इसको हम क्या बोलते हैं, डेट। और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया मंथ, और ये क्या हो गया, ईयर हो गया। यानी सिर्फ पहला केस में डेट क्या रहता है, सेम, और मंथ भी क्या होगा, सेम होगा। यानी डेट भी सेम होगा, उसके साथ साथ क्या सेम होगा, मंथ भी सेम होगा, सिर्फ चेंज क्या होगा, ईयर चेंज होगा, समझ गए। दूसरा केस में क्या होगा, केस टू में हम लोग क्या देखेंगे कि ऐसा हो सकता है कि सर 2 नवंबर 2022 को कौन सा दिन है, वेडनेसडे है, 2 नवंबर 2022 को कौन सा दिन है, वेडनेसडे है, और आपसे पूछ देगा कि सर 5 मान लेते हैं यहाँ पे कि क्या इसको चेंज कर देते हैं, 15 सितंबर और क्या बोल सकता है, 2000 मान लेते हैं 31 बोल सकता है। अब बोलिए क्या क्या चेंज हो गया, अब आपका डेट भी चेंज कर दिए, मंथ भी चेंज कर दिए, और क्या कर दिए, ईयर भी चेंज कर दिए कि नहीं, यानी आपका क्या हो गया, सब चेंज हो गया। नहीं, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका साल सेम रहे, नहीं, जैसे आप केस 3 में अगर ऐसा कह देगा कि सर 2 फरवरी मान लेते हैं, 5 फरवरी 2003 को मान लेते हैं कि ट्यूसडे होगा, क्या था आपका, ट्यूसडे है, क्या है आपका, ट्यूसडे है। अब इसी में आपसे कह देगा कि सर 15 अगस्त 2003 को कौन सा दिन है। देखिए पहला में क्या चेंज किया आपका, तो डेट आपका सेम था, मंथ भी सेम था, इसमें क्या चेंज कर रहा है, आपका ईयर को क्या कर दे रहा है, चेंज कर दे रहा है। इसमें तो टोटल चेंज हो गया, इसमें क्या हो गया आपका, टोटल चेंज हो गया। इसमें सिर्फ चेंज क्या हुआ है, इसमें आपका ईयर क्या है, आपका सेम है, आपका चेंज क्या हुआ है, तो डेट हुआ है, और क्या चेंज हुआ है, मंथ चेंज हुआ है कि नहीं, यानी डेट और क्या चेंज हुआ है, मंथ। यानी हम लोग पढ़ेंगे पहला केस क्या पढ़ेंगे, जिसमें सिर्फ क्या चेंज होगा, मेरा ईयर चेंज होगा। दूसरा केस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सारा चीज चेंज होगा। तीसरा केस में क्या पढ़ेंगे कि आपका ईयर सेम रहेगा, डेट और मंथ क्या रहेगा, चेंज होगा। तो देखिए आज का जो हम लोग देख रहे हैं
वो कौन सा दिन है? 2 नवंबर 2022 को कौन सा दिन है? वेडनेसडे है। और मेरा 2 नवंबर 2033 को कौन सा दिन है? तो ऐसे अमृत पे काउंट करना संभव है? अब बोलिए, लाइन से निकाल पाएंगे? नहीं ना निकाल पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि ईयर और प्लस क्या होता है? लीप ईयर। ईयर प्लस लीप ईयर। तो देखिए कितना साल आपका आगे बढ़ा है, तो हम लोग हटा देंगे 22 साल है। और कितना साल है? 33 साल है ना। तो 33 में से अगर 22 घटाएंगे तो कितना साल हो जाएगा? 11 साल होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? 11 लिख देंगे कि नहीं? लीप ईयर कितना? तो अमृत में गिन लीजिए अभी, लेकिन बाद में बताएंगे एक लाइन में कैसे होता है। तो 22 के बाद अगला जो लीप ईयर होता है वो कौन सा होता है? कौन सा हो जाएगा जी? 24 होगा ना। और 24 के बाद 4 साल बाद ना, तो अगला क्या हो जाएगा? 28। 28 के बाद क्या आ जाएगा? 32। 32 के बाद क्या? 36। क्या 36 है? यानी लीप ईयर कितना लेना है? 36। यानी कितना हो गया? 1, 2 और 3। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे? 3। टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 11 3 14। 11 दिन कितना हो गया? 14। हमको दिन ना निकालना है। तो आपको पता है ना कि मंडे से लेके संडे तक कितना दिन होता है? 7। तो हमेशा किससे डिवाइड करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा? देखिए 7 गुना क्या हो गया? 14। यानी रिमाइंडर क्या हो गया? 0। यानी हमेशा यहाँ पे जो लिखाएगा वो क्या लिखाएगा आपका? रिमाइंडर यानी 0। तो 0 मतलब कि दिन आगे बढ़ रहा है, सेम डे है। यानी आज भी वेडनेसडे है, तो उस दिन भी क्या हो जाएगा? वेडनेसडे ही होगा। हम लोग चेक कर लेते हैं क्या कि मेरा वेडनेसडे है कि नहीं। तो मोबाइल से चेक कर लेते हैं कि आपका वेडनेसडे है कि नहीं। तो देखिए यहाँ से गूगल पे डालते हैं कि कब जाना है हम लोग को? 2 नवंबर 2033। 2 नवंबर 2033 का कौन सा दिन था? 2 नवंबर 2033 का कौन सा दिन था? तो आपका आ गया 2 नवंबर 2033 को दिन आपका आ गया। दिन था कौन दिन पड़ेगा? हाँ, कौन दिन पड़ेगा? आपका आ गया है वेडनेसडे। कौन सा दिन आ गया आपका? वेडनेसडे आ गया। अब मोबाइल में चेक कर सकते हैं, ठीक है? नहीं तो डायरेक्ट ऐसे भी बोल दे देंगे तो आ जाएगा 2 नवंबर 2033, ठीक है? 2 नवंबर 2033। अब मोबाइल से ऐसे चेक कर लीजिएगा तो क्या आएगा? वेडनेसडे आ रहा है। क्या आ रहा है आपका? वेडनेसडे आ जाएगा, ठीक है? तो हम लोग ऐसे क्या कर सकते हैं, आराम से बोल के आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है? रिमाइंडर अगर 1 2 रहेगा, अगर रिमाइंडर 1 आएगा तो ध्यान रखिएगा कि रिमाइंडर 1 आएगा तो वेडनेसडे है और एक दिन आगे जाएंगे तो क्या आएगा आपका? थर्सडे आएगा। अगर यहाँ रिमाइंडर 1 आता तो हम क्या करते? एक दिन आगे जाते। जैसे मान लेते हैं कि और क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देख लेना है। देखिए अगर दिया हुआ है कि 5, अपने मन से लेना, चाहे इसी को ले लीजिए। 2 नवंबर 2022 को कौन सा दिन है? वेडनेसडे है, ठीक है? अगर कह देगा आपसे कि 2 नवंबर 2000 मान लेते हैं 43 को कौन सा दिन था? कब का पूछ रहा है? कब का? 43 का। तो आप ही बोलिए कि फॉर्मूला क्या होता है इसका? इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? ईयर प्लस क्या होता है? लीप ईयर होता है कि नहीं? तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे आपका? ईयर प्लस कितना हो जाएगा आपका? लीप ईयर होगा कि नहीं? ईयर प्लस क्या हो जाएगा? लीप ईयर। तो कितना ईयर हो गया यहाँ से? देखिए कितना ईयर हो गया, तो इसको घटा देंगे तो 3 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा? 1। फिर 4 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा? 21 साल। ईयर हो गया, लीप ईयर कितना होगा? तो 22 के बाद अगला क्या आता है? 22 के बाद क्या आएगा? 24। 24 के बाद क्या आएगा? 28। 28 के बाद क्या आएगा? 32। 32 के बाद क्या आएगा? 36। 36 के बाद क्या आएगा? 40। और उसके बाद 44 आएगा कि नहीं? कितना लीप ईयर हो गया? 1 2 3 4 और कितना? 1 2 3 4 और कितना हो गया?
कितना आ गया पांच, इसको जोड़ देंगे तो 21 और 5 कितना हो गया, 21 और 5 कितना हो गया 26 हो गया कि नहीं, कितना से भाग देना है 7 से, तो 7 से अगर भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, देखिए 26 और कितना हो जाता है 17 की 21, तो कितना बच जाएगा रिमाइंडर, कितना बचा जो रिमाइंडर बचा प्लस 5 क्योंकि आगे ना जा रहे हैं, तो आपको तो देखिए 5 आगे जाना है, तो वेडनेसडे के बाद क्या आता है थर्सडे, थर्सडे के बाद क्या आएगा फ्राइडे, फ्राइडे के बाद क्या आएगा सैटरडे, सैटरडे के बाद क्या आएगा संडे, और संडे के बाद क्या आएगा मंडे, यानी जब गूगल पे आप टाइप कीजिएगा तो कौन सा दिन होगा वो मंडे आएगा आज के बाद वाला, हाँ पांच आगे जाना है जी, क्योंकि अब 2022 था और ये क्या गया आपका 2000 कहाँ गया हम लोग 43 गए कि नहीं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर यहीं से कह देगा कि 2 नवंबर 2022 को कौन सा दिन है आपका वेडनेसडे है, और आपसे पूछ लेगा कि सर बताइए 5 सितंबर कब कब हो रहा है, एक सेमिनार भी बताना है तो सेमिनार रहने दीजिए, 2 नवंबर क्या है 2000 मान लेते हैं आपका 2000 दे देते आपका 55 दे दिया है कि नहीं, तो देखिए लीप ईयर बार बार हम लोग उंगली पे गिन के निकालेंगे नहीं ना, किससे भाग देना रहता है 4 से ना, तो देखिए क्या करें इसका रूल क्या होता है कि 22 है ना जी, तो 22 का अगला लीप ईयर कौन सा होगा आपका 2024 होगा, इसका अगला लीप ईयर कौन होगा आपका 44 होगा ना, तो क्या हो गया टोटल कितना हो गया 44, इसको अगर घटाएंगे तो कितना आ गया आपका 0 और 4 में कितना हो गया 20, कितना से भाग देना है 4 से भाग देंगे कितना बार में जाएगा, कितना बार में जा रहा है रिमाइंडर नहीं कितना बार में जा रहा है, तो कितना हो गया आपका लीप ईयर, ऐसे भी लीप ईयर कितना आया था, ऐसे भी कितना आया 5, 44 कैसे लिखे बोले है ना कि जैसे मान लीजिए कि हमको ये जब बैक काम है तब ना उंगली पे गिन लिए, अगर यही गए कि यहाँ पर हम लोग कर देंगे 21 तब गिन पाइएगा, गिन लीजिएगा उंगली पे नहीं ना गिन पाइएगा, तो इसी के लिए रूल बता रहे हैं कि क्या करना है कि लीप ईयर जैसे ये जो है 2022 लीप ईयर नहीं ना है, तो इसका अगला लीप ईयर कौन है 24 है तो 2024 लिख लेंगे ठीक है भाई, और ये क्या है आपका, ये क्या है आपका 43 है तो लिख के है अगला, इसका लिख के कौन होगा अगला कौन होगा 44, तो लिख दिया आपका क्या हो जाएगा 2044, दोनों को घटा दिए तो कितना हो गया आपका 20 हो गया ना, और 20 है तो कितना से भाग देना है लिख के निकालेंगे कितना से 4 से, तो 4 से भाग दीजिए कितना आ गया 5 आ गया कि नहीं, तो देखिए ऐसे भी लीप ईयर गिनने से कितना आया था 5 ना आया था, तो हम बचपन में आगे बढ़ाने को छपा आ गया, यहां से देखिए अब इसमें हमको लीप ईयर निकालना है तो क्या करेंगे, रूल तो बता चुके हैं कि लीप ईयर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं आपका लीप ईयर निकालने के लिए क्या करते हैं कि इसको देखते हैं कि पहले देख लीजिए कितना ईयर है, ईयर प्लस फॉर्मूला क्या होता है लीप ईयर, तो कितना ईयर है तो घटा देंगे तो 5 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 3, फिर 5 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 3, और लीप ईयर कितना, तो देखिए इसका अगला लीप ईयर क्या होता है 24, और इसका अगला लीप ईयर क्या हो जाएगा आपका 55 है लीप ईयर नहीं ना, क्या 56 लीप ईयर होगा, 4 से भाग देते तो 4 एवं 4 हो जाएगा, तो घटाइए कितना आ जाएगा 4 में से 6 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा, हमेशा 12 में से तो छोटा को घटाते हैं 6 में से 4 जाएगा कितना हो गया आपका 2, और फिर अब कहीं 5 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा कि नहीं, अब कितना हो गया 3 यानी कितना हो गया 32 हो गया कि नहीं आया ना 32, अभी लीप ईयर निकालने के लिए हम कितना से भाग देते हैं 8 से, कितना से भाग देते हैं जी 4 से भाग देते हैं कि नहीं, कितना से भाग देते हैं 4 से भाग देंगे कितना बार में जाएगा 8, कितना बार में जाएगा 8 बार में गया तो ये कितना हो गया 8 हो गया कि नहीं सही है, उंगली पे भी गिनेगा तो 8 ही ना आएगा, देख लीजिए 22 के बाद, 22 के बाद क्या होता है 24 होगा, 24 के बाद क्या होगा 28 होगा, 28 के बाद कितना होगा 28 के बाद 32 होगा, और 32 के बाद क्या होगा 36 होगा, 36 के बाद क्या होगा 40, 40 के बाद क्या होगा 44, के बाद क्या होगा 48,
47, 47 के बाद क्या होगा? 52 होगा, 52 के बाद क्या होगा? 56 होगा, लेकिन 56 लेना है तो कितना हो गया? देखिए 4 और 4 कितना हो गया? 8 हो गया कि नहीं? तो ऐसे भी जाएंगे तो 8 आ रहा है, वैसे भी जाएंगे तो 8। परेशान कौन है? ये वाला है कि ये वाला है कि गैपिंग अगर 100 साल भी रहेगा तो 200 साल भी रहेगा तो आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं? कोई दिक्कत? अब यहाँ से देखिए इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा जी आपका? 33 और 7 कितना हो गया? 40 और 41 हो गया। कितना से भाग देना है? 7 से भाग देना है ना? बोलिए। बचपन है तो मतलब बचपन से 22 से घटा दिए तो 33 ना आएगा। तो 55 में से 22 घटाए थे, 33 तो लिखे हैं, ठीक तो है? तो ई प्लस क्या हो गया? लीप ईयर, समझ गए? अभी कितना से भाग देना है इसको? अरे ये 7 से भाग देना है ना? 7 से भाग देंगे कितना आ गया आपका? 41 को 7 से भाग दीजिए तो 7 बचे 35, तो 7 बचे 35 कितना बन जाएगा? 6, यानी रिमाइंडर 6 है ना, तो यही नहीं है आंसर हो जाता है, यानी 7 से भाग देते हैं क्या लिखाता है? देखिए क्या बोले हैं कि जब जोड़ने के बाद आता है तो किससे भाग दिया जाता है? 7 से भाग देते हैं कि नहीं? तो 7 से अगर भाग देंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया आपका? 6 प्लस 6 आ गया कि नहीं? तो नेक्स्ट डे है और कितना जाना है आपका? प्लस 6 जाना है ना, तो प्लस 6 तो कितना हो जाएगा? वेडनेसडे के बाद आपका आता है थर्सडे, थर्सडे के बाद क्या आएगा? फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे और क्या हो जाएगा आपका? ट्यूजडे हो जाएगा कि नहीं? आंसर इससे क्या हो गया आपका? ट्यूजडे हो गया कि नहीं? अब लिख लीजिए इसको बढ़िया से, इसको बंद करिए। सुल्तान सही बोले हैं कि